हैप्पी बर्थडे टू यू। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं जेबी केसेस के वाइट टीम अपने साथी का जन्मदिन मना रहे हैं। किस तरह से एक समय था जो लोग एक दूसरे से ना जान ना पहचान, लेकिन आंदोलन से जुड़े झारखंड के हक अधिकार के लेकर आप देखिए टीम कोल्हान में बनी, अनेकों प्रकार की टीम बनी, कहीं ब्लैक तो कहीं व्हाइट तो कहीं रेड। और ये आप देख रहे हैं कि तमाम अपने साथीगण, आज इनका जन्मदिन है और ये देख सकते हैं कि इनके साथीगण सेलिब्रेट कर रहे हैं जन्मदिन। ये आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरों में, मैं ये कोल्हान से आपको सीधी तस्वीर सरायकेला विधानसभा से दे रहा हूँ। और ये है, ये जो टीम आप देख रहे हैं ये टीम है, मैं बता दूं कि गम्हरिया तरफ की ज़्यादा टीम है। और ये देखिए एक दूसरे को केक खिलाकर सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके साथी का जन्मदिन था और जन्मदिन मना रहे हैं। इन लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए इन लोग का सबसे बड़ा, इन लोग सोचे कि अपना टी शर्ट जो है, जो जे बी केसेस का हम लोग व्हाइट टीम बनाए हैं, उसका टी शर्ट पहन लें और साथ ही साथ अपना गमछा जो है वो गमछा लेके ही आए हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये लोग वो लोग हैं जो जे बी केसेस से जुड़कर एक टीम बनाए हैं और टीम बनाकर एक दूसरे को सुख दुख और झारखंड के हक अधिकार और जयराम दा का सेना के रूप में काम करने वाले कोल्हान टीम है ये लोग, जो कि मैं इस कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये लोग ऐसे नहीं हैं जो कि टाइगर जयराम महतो को हमेशा लोग बोलते हैं कि बेरोजगार लोग ही सिर्फ आंदोलन में जुड़े हैं और अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो लोग को आज अभी ड्यूटी ख़त्म हुई है और ड्यूटी ख़त्म होने के बाद आज इतनी देर शाम इन लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने साथी का, जो आप देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं दादा और ये देखिए दादा से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे, बर्थडे बॉय से भी जानने का प्रयास करेंगे और इनसे भी। जोहार दा, ये लोग एक दूसरे को केक खिलाने में अभी बिजी है, ये आप देख रहे हैं। आज ये लोग हमेशा आंदोलन में मिलते हैं, कुछ कार्यक्रम होता है, जयराम दा जब एंट्री मारते हैं या फिर झारखंड के हक अधिकार के लिए आंदोलन होता है तब ये लोग एकजुट होते हैं, नहीं तो सब अपने अपने कार्य में बिजी होते हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं। और ये ड्रेस में ये बर्थडे मनाना, ये कब सोचे, क्यों सोचे, सारा चीज़ बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये व्हाइट टीम है, जे बी केसेस व्हाइट टीम, और जे बी केसेस व्हाइट टीम का एक मेंबर का ज़्यादा बातचीत करना चाहते हैं आप लोगों से, बातचीत करिए ना थोड़ा सा, हम आप लोगों से जानना चाहते हैं, ताकि राज्यभर में बहुत सारे लोग हैं जो जयराम महतो से जुड़े हुए हैं लेकिन आप लोग यूनिक तरीका से रहते हैं और बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार दा, जोहार दा, आज जो ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी जे बी केसेस के व्हाइट टीम का मेंबर है क्या? जी हाँ बिल्कुल, आज हमारे यहाँ जे बी केसेस के सक्रिय सदस्य राकेश भाई का बर्थडे है, तो हमारे एक ही मोटो है कि चाहे वो दुख का घड़ी हो, सुख का घड़ी हो, जो भी हो, हमारे जितने भी साथी हैं हम सब साथी के साथ एक साथ हैं उनके सुख में दुख में। तो आज हमारे राकेश भाई का जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और उम्मीद करते हैं हम सब इसी तरह एक साथ रहेंगे, इसी तरह एकता का परिचय देंगे। जे बी केसेस व्हाइट टीम, जो आप लोग ये व्हाइट टी शर्ट और गमछा पहन के जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप ठंडा के अभी समय है, आप लोग ड्यूटी से भी आए, फिर भी आप लोग स्वेटर खोल के इस ड्रेस में बर्थडे मनाने का मेन उद्देश्य? दादा, इसमें बर्थडे मनाने का एक ही उद्देश्य है कि इसमें जो हमारा यूनिटी है, एकता है, ये एक यूनिटी दिखता है। एक ड्रेस जो है एक डिसिप्लिन का प्रतीक है। और जहाँ तक ठंड की बात है, जयराम दा के विचारों में इतना गर्मी है कि ठंड का कुछ असर ही नहीं होता है, ना ही थकावट लगता है, ना ही ठंड लगता है, किसी चीज़ का असर नहीं होता है। कहाँ कहाँ से ये व्हाइट टीम के लोग आए हैं? यहाँ पे सब विभिन्न जगह से हैं, आदितपुर क्षेत्र से हैं, गम्हरिया क्षेत्र से हैं, कांडरा से हैं, आपके इधर उदयपुर से हैं, मोहल्डी से हैं, मतलब सरायकेला विधानसभा के हर एक क्षेत्र से यहाँ पे सारे लड़के मौजूद हैं। चलिए धन्यवाद, और कुछ कोई दादा लोग से भी जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा दादा, क्या कहना चाहेंगे, अभी जे बी केसेस एक ऐसा परिवार बन गया ये जो टीम है आपकी, कभी लगा था कि इस तरह का आंदोलन होगा, जयराम दा आएंगे, नए नए लोगों से पहचान होगी, एक अपनापन फील होगा और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट होंगे अलग अलग जगह से? अब ये देख सकते हैं गमछा से भी स्वागत किया जा रहा है इनको, आप देख रहे हैं। बहुत बहुत जोरदार तालियां। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं पॉलिटिक्स में भी आऊँगा। पहले तो मेरे को पॉलिटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं था, जब से मैं जयराम दादा का सुना हूँ भाषण, तभी से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, जिस तरह से अभी तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक साथ मिल रहे हैं, पूरे झारखंडियों को एक साथ मिलाने का कब प्रयास आप लोग किस तरह से जारी किए हैं?
हम लोग तो सोचे इलेक्शन से पहले सब एक साथ हो जाए और जयराम दा को जिताए, तभी सब झारखंड का जो शोषण हो रहा सब बंद हो जाएगा, वरना तो गरीबों के साथ बहुत ज्यादा ही शोषण हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, मैं परिचय जानना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग थे जाति आंदोलन ये आंदोलन, थोड़े दूसरे समाज के लोगों से भी रूबरू करवाए, पहचान करवाए, क्योंकि हमें ब्लैक टीम से रूबरू करवाए बहुत सारे हैं, संथाली भाई लोग हैं उन लोग से रूबरू कराए, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे रूबरू करवाएंगे कोई एक व्यक्ति के बीच। ये जो दादा है ये हम लोग का रापचा से बिलोंग करते हैं और ये इनका नाम हुआ आपका किशन जमुदा, ये हो समाज से हैं। हाँ, हो समाज से जोरदार। आपका इधर आपका हम लोग का बीच शिवनाथ दा जो है, शिवनाथ मांडी है, खुद अपना परिचय देंगे। जोरदार जोहार, कौन समाज से हैं आप? हम जयराम दा का समाज से। नहीं, जयराम दा को चाहते हैं। हाँ, जयराम दा को चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का संथाली समाज। हाँ, संथाली समाज, आदिवासी समाज, और आदिवासियों को जोड़ रहे हैं आंदोलन से, जयराम दा आंदोलन में जोड़ रहा है, जोड़ रहे हैं। हाँ सर, ये आप देख रहे हैं, बड़ा योगदान है, बहुत दिन से हम लोग के साथ, मतलब हर गांव में जागरूक फैलाने में हम लोग का। आज हम लोग जो सांताली है, हम लोग भी सोच रहा है कि ऐसा ही होगा बोल के, हम लोग भी आदिवासी लोग साथ दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, तमाम व्हाइट टीम के लोग हैं, कुछ लोग ऑन ड्यूटी हैं जिसके कारण इस बर्थडे सेलिब्रेशन में आ नहीं पाए, बाकी जो लोग अभी इन लोग आए और अपने साथियों को इस तरह से एक कहीं ना कहीं JBKSS व्हाइट टीम जो है कोलान के एक परिवार बन गए हैं, और ये परिवार है जो कि आपको मैं दिखाने का प्रयास किया, बाकी अपडेट देता रहूंगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार दादा, जोहार दादा। ये शपथ लेते हैं, ये शपथ लेते हैं JBKSS परिवार को, JBKSS परिवार को, तन तन, मन मन, धन धन, देकर देकर झारखंड वर्ष में, झारखंड वर्ष में विस्तार करेंगे, विस्तार करेंगे, चाहे चाहे इसके लिए, इसके लिए हमें अपने, हमें अपने प्राणों की, प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, आहुति क्यों ना देनी पड़े, जिससे जिससे कि हम पूरे झारखंड वर्ष में, पूरे झारखंड वर्ष में JBKSS को विस्तार करेंगे, JBKSS को विस्तार करेंगे। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड।